नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम नागरिक प्रचारण सभा के बारे में बात कर रहे थे, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते। उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी साथियों का जो इस पूरी श्रृंखला को देख रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। निश्चित ही इससे उनको फायदा मिलने वाला है और अच्छा फायदा मिलने वाला है। जब आप पूरे वीडियो सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये पता चल जाएगा कि वास्तविकता में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि ना कि एकदम अरे ये प्रश्न तो कहाँ से आ गया, समझी में नहीं आया, तो वो चीजें आपकी इन पूरे वीडियोस को सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ लोगों का जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स से उत्साह वर्धन करते रहते हैं हमारा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करके ताकि बहुत से लोगों को वीडियोस का लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नागरिक प्रचारणी जो सभा थी उसका के दो मुख्य उद्देश्य हुए, नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। ठीक है, यहीं से वीडियो हमने खत्म किया था। उक्त दो उद्देश्यों में यद्यपि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि इसका भी कोई संबंध सीधे तौर पे हिंदी साहित्य के इतिहास से है, पर परोक्ष संबंध अवश्य। हम पहले कह आए हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरिक का प्रवेश न होने से नव शिक्षितों में हिंदी पढ़ने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों दफ्तरों में सरकारी नागरी पढ़ाई नहीं जाती थी, नागरी का इस्तेमाल नहीं होता था, प्रयोग नहीं किया जाता था। तो जो लोग नए नए शिक्षित होते थे या शिक्षा लेते थे आगे बढ़ने के उद्देश्य से, वो नागरी हिंदी में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे, इसलिए उनकी संख्या भी नहीं थी। ज्यादातर लोग दफ्तरों में प्रयोग होने वाली भाषा यानी उर्दू को ही सीख रहे थे। इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन से पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता था। देखिए, जब वीडियो बनाए जाएंगे उनको देखेगा कोई तो आगे वीडियो बनाने का मन होता है, जब कोई पुस्तक लिखी जाएगी उसको जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा तो आगे साहित्य को प्रोत्साहन मिलता है ना। तो लिखा तो जा रहा था लेकिन नव शिक्षितों के बीच में नागरी का ज्यादा प्रचार नहीं था, वो उर्दू की तरफ आकर्षित हो रहे थे, उर्दू दफ्तरों की भाषा थी। इसी से जो उत्साह होता था प्रकाशन करने वालों का या लेखकों का, वो उतना नहीं रह पाता। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साहित हो जाते थे और लेखक। ऐसी परिस्थिति नागरी प्रचारणी के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मान हम संक्षेप में उसका उल्लेख कर लेना आवश्यक समझते हैं। बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते थे और जगह जगह घूम घूम कर वक्तव्य दिखा दिया करते थे, ये हम पहले कह आए हैं, मतलब पहले आपको बता देते हैं। वे जब परिया के हिंदी प्रेमी कलेक्टर के निमंत्रण पर वहां गए तब कई दिनों तक बड़ी धूम रही। हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और देवाक्षर चरित्र के अभिनय भी हुए। देवाक्षर चरित्र पंडित रवि दत्त शुक्ल द्वारा लिखा हुआ एक प्रश्न था, अभी तक परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है लेकिन अभी आप इसको नोट कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। देवाक्षर चरित्र रवि दत्त शुक्ला के द्वारा लिखा गया था जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए। ठीक है, उर्दू लिपि में किस तरह की गड़बड़ी होती है ये उसमें बताया गया है। भारतेंदु के अस्त होने से अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने के कुछ पहले नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त जी ने उठाया, यानी कि उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठाया था। ये मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे और मुद्रिसी दत्त अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार सभा को के लिए लिखकर रजिस्ट्री कर दी थी। कितना धुन का पक्का, एक भाषा के लिए भले ही वो अपनी मातृभाषा आज के समय में नहीं मिल सकता, जितने धुन के पक्के कौन थे,
गौरी दत्त जी, ठीक है, अपने सन्यासी और आप सन्यासी होकर नागरी प्रचार का झंडा हाथ में लिए चारों ओर घूमने लगे। उनके व्याख्यानों के प्रभाव से ना जाने कितने देवनागरी स्कूल मेरठ के आसपास खुले, है ना। शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। प्रसिद्ध गौरी नागरी कोष इन्हीं का है। जहाँ कहीं भी कोई मेला तमाशा होता, वहाँ पंडित गौरी दत्त जी लड़कों की खासी भीड़ के पीछे लगाए नागरी का झंडा हाथ में लिए दिखाई पड़ते थे। मिलने पर प्रणाम, जय राम आदि के स्थान पर लोग इनसे जय नागरी की कहा करते थे। उन्होंने संबत 1951 में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल भी भेजा था। नागरी प्रचारणी सभा अपने स्थापना के कुछ दिनों पीछे दबाई हुई नागरी के उद्योग में लग गई। 1952 में जब इस देश के छोटे लॉर्ड सर एंथनी मैकडोनल्ड काशी आए, तब एक सभा ने एक आवेदन पत्र उनको दिया और दफ्तरों से नागरी को दूर रखने से जनता को जो कठिनाई हो रही है और शिक्षक सम्यक प्रचार में जो बाधाएं आ रही है उनके सामने रखा। जब उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया, तब से बराबर सभा व्याख्यानों और पर्चों द्वारा जनता के उत्साह को जागृत करती रही। कौन? नागरी प्रचारणी सभा। न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा को नागरी अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। भिन्न भिन्न नगरों में सभा की शाखाएं स्थापित हुई। 1925 में एक बड़ा ही प्रभावशाली डेपुटेशन जिसमें अयोध्या नरेश महाराज, प्रताप नारायण सिंह, मांडा के राजा राम प्रसाद सिंह, आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह, डॉक्टर सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, ऐसे मान्य और प्रतिष्ठित लोग थे, लाड साहब से मिले और नागरिक मेमोरियल अर्पित किया। ठीक है, हम जब भी कोई गाइड टाइप की बुक पढ़ लेते हैं तो हिंदी ने कितना संघर्ष किया है ये हम नहीं समझ पाते। ठीक है, हमें नंबर चाहिए लेकिन हमें ज्ञान भी चाहिए, तो इस पुस्तक को पढ़ना, सुनना, समझना जरूरी है। एक एक लाइन पे इसकी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें सभी कुछ लगभग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो विशेष महत्वपूर्ण है मैं आपको बताती चल रही हूँ। उक्त मेमोरियल की सफलता के लिए कितना भीषण उद्योग प्रांत भर में किया गया कि बहुत लोगों को स्मरण होगा, हमें तो पता भी नहीं। सभा की ओर ना जाने कितने सज्जन सब नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिए भेजे गए, जिन्होंने रात दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इस आंदोलन के प्रधान नायक देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक बड़ी अंग्रेजी पुस्तक जिसमें नागरी को दूर रखने के दुष्परिणामों की बड़ी ही विस्तृत और अनुसंधान पूर्ण मीमांसा लिख कर प्रकाशित की। अंत में संवत 1957 में भारतेंदु के समय से ही चले आते हुए उस उद्योग का फल प्रकट हुआ और उज्जैन में भी नागरी की प्रवेश की घोषणा हुई। 1957 में सभा के साहित्यिक आयोजनों के भीतर हम बराबर हिंदी प्रेमियों सामान्य आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों का परिचय पाते चले आ रहे हैं। पहले ही वर्ष नागरी दास का जीवन चरित्र नाम का जो लेख पढ़ा गया वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोक जिज्ञासा का पता देता है। हिंदी के पुराने कवियों में कुछ इतिवृत्त संग्रह पहले संवत 1896 में गर्सा दत्तासी ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में किया। फिर संवत 1940 में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में किया। उसके पीछे प्रसिद्ध भाषा वेत्ता डॉक्टर ग्रियर्सन 1946 में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रकाशित किया। ये सभी बहुत महत्व की पुस्तकें हैं, लगभग सभी को याद। कवियों का वृत्त भी साहित्य का एक अंग, अतः सभा ने आगे चलकर हिंदी की पुस्तकों की खोज का काम भी अपने हाथों में ले लिया, जिसे बहुत से गुप्त और अप्रकाशित रत्नों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी।
संपत 1956 में सभा को गवर्नमेंट ने 400 रुपए वार्षिक सहायता इस काम के लिए गवर्नमेंट से 400 रुपए वार्षिक सहायता इस काम के लिए प्राप्त हुई और खोज धूमधाम से आरंभ। ये वार्षिक सहायता ज्यों की ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों काम भी अधिक विस्तृत होता गया। सरकारी सहायता बढ़ रही थी तो काम विस्तृत हो रहा था। आजकल सरकारी सहायता कितनी भी बढ़ाती जाए छनकर बहुत ही कम पहुंच पाती है। इसी खोज का फल है कि आज कई सौ कवियों की कृतियों से का परिचय हमें प्राप्त है जिनका पहले पता नहीं था। कुछ कवियों के संबंध में बहुत सी नई बातों की जानकारी भी हुई है। सभा की ग्रंथमाला में कई पुराने कवियों के अच्छे अच्छे ग्रंथ छपे है ना। ये सभा क्या पढ़ रही है, नागरिक प्रचारण सभा के उद्योग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के लिए। सारांश ये है कि इस खोज द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित, जिसकी सहायता से दो एक अच्छे कवि वृत्त संग्रह भी हिंदी में निकले। हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था का विचार भी अब लोगों के चित्र में उठ रहा था और बड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी। मतलब जो पारिभाषिक शब्द अन्य भाषाओं में आ चुके थे हिंदी में उन पारिभाषिक शब्दों की अभी आवश्यकता बनी थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत 1963 में सभा ने वैज्ञानिक कोष प्रकाशित करा। भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित करने का काम तो अब तक बराबर चल ही रहा था। स्थापना के 3 वर्ष बाद ही सभा ने अपनी पत्रिका नागरिक प्रचारणी पत्रिका निकाली, जिसमें साहित्य वैज्ञानिक ऐतिहासिक सब प्रकार के लिए आरंभ से ही निकलने लगे थे और जो आज भी साहित्य के से संबंध रखने वाले अनुसंधान और पर्यालोचन का उद्देश्य रखकर चल रही है ना। छत्र प्रकाश, सुजान चरित, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो आदि पुराने ऐतिहासिक काव्य को प्रकाशित करने के अतिरिक्त तुलसी, जायसी, भूषण देव जैसे प्रसिद्ध कवियों की ग्रंथावलियों के भी बहुत सुंदर संस्करण सभा ने निकाले। मनोरंजन पुस्तक माला में 50 से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकें निकल चुकी। हिंदी का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण तथा कोश हिंदी सभा इस सभा की चिर स्थायी कार्यों में गिना जाता है। इस सभा ने अपने 35 वर्ष के जीवन में हिंदी साहित्य के वर्तमान काल की तीनों अवस्थाएं देखी। जिस समय स्थापित हुई उस समय भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित प्रथम उत्थान की परंपरा चली आ रही थी, वह प्रचार काल था। नागरी अक्षरों और हिंदी साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बाधाएं थी तो हम देखते ही चले आ रहे हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएं अब भी मिल जाएंगी जैसे श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नागरी तेरी यह दशा है ना। नूतन हिंदी साहित्य का वे प्रथम उत्थान काल कैसा हस्ता खेलता सामने आया। भारतेंदु सहयोगी लेखकों का वे मंडल इस जोश और जिंदा दिली के साथ और कैसी चहल पहल के बीच अपना काम करता, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सभा की स्थापना के पीछे घर संभालने की चिंता और व्यग्रता के कुछ चिन्ह भी सीवर मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि भाई घर तो सभी को चलाना है, रोटी तो सभी को चाहिए। भारतेंदु जी के सहयोगी अपने ढर्रे पर कुछ ना कुछ लिखते तो जा रहे थे पर अब उनमें वह तत्परता और वह उत्साह नहीं रह गया। बाबू हरिश्चंद्र के गोलोकवास की कुछ पीछे था कुछ बाद आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य सेवा ग्रहण की वे ही अब प्रौढ़ता प्राप्त करके काल की गति को परखते हुए अपने काल कार्य में तत्पर दिखाई देते थे। उसके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में धीरे धीरे उतर रहे थे। यह हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान काल था जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के
दर्शन हुए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं क्योंकि इसके बाद में अगला प्रकरण आरंभ होगा। ठीक है चलिए इसके आगे की बात, जहाँ से सरस्वती पत्रिका का दर्शन प्राप्त होता है, जहाँ पे हिंदी की संशोधन के लिए, परिमार्जन के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मैदान में उतर कर आते हैं, उसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अपना साथ बनाए रखिएगा। हालांकि मैं जान रही हूँ कि ये रामचंद्र शुक्ल जी की बुक, इस तरह से पुस्तक बहुत कम लोग ही, जो बहुत छोटी तैयारी करके या बड़ी तैयारी की तरफ पढ़ रहे हैं, उन्हीं को इसमें रुचि आती है ना। फिर भी क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया है तो मैं पुस्तक को पूरी समाप्त जरूर कराऊंगी। अच्छा लगा करे तो वीडियो लाइक कर दिया करे, कमेंट्स द्वारा बताते रहा करिए, वरना बस यूं ही लगेगा कि लोग देखते हैं और क्लिक करके छोड़ देते हैं, है ना। तो ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।